बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राष्ट्रीय पोषण माह 2021 की शुरुआत की और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। मंगलवार को लखनऊ के लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय के सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना काल में जब अच्छे अच्छे लोग क्वारंटाइन होकर घर में बंद हो गए थे तो आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों के गांव-गांव घर-घर जाकर दवाएं उपलब्ध करा रही थीं और अगर निगरानी समितियों के माध्यम से ये लोग यह कार्य नहीं करते तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को संभालना कठिन हो जाता। योगी ने कहा कि इनके अच्छे कार्य को ध्यान में रखकर ही सरकार ने निश्चित किया है कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे और सरकार उस दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। विभाग इसकी कार्ययोजना तैयार कर रहा है। साथ ही विभाग को मैंने यह भी कहा है कि इनका जो पिछला बकाया है उसका तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था कर दें। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक नई दृष्टि दी है। उस दृष्टि के क्रम में अगर एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है तो यह सोचना है कि अगर माँ कुपोषित है तो बच्चा कभी कुपोषित नहीं हो सकता है। यह संदेश आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और यदि संदेश आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे नए अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।